लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर अब और भी बड़ा तिरंगा लहराया गया है। लोग हैं जो बार बार इस तरह की बात करते हैं या इस तरह का प्रोटेस्ट या डिमांड रखते हैं, साथ पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। सरकार को आज भारत का ये तिरंगा देखना चाहिए। भारत ने ब्रिटेन में फिर एक तिरंगा लहराया। कहीं ना कहीं तार तो पाकिस्तान में है। गोपाल चावला पाकिस्तान में बैठ करके क्या कर रहा है सबको पता है। 12 मुरब्बा किलोमीटर के एरिए में लोग तन के खड़े हो गए पुलिस के सामने। इमरान खान कह रहे हैं कल के बाद चीजें अब सबके हाथ से निकल सकती हैं। चीजें तो हाथ से निकल ही चुकी हैं। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सड़कों पे आके अपने अदारों को गालियां देते हैं, जिसकी मुझे तकलीफ हो रही है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन रवि चौधरी यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात हो गए। एक और इंडियन ओरिजिन एक और बड़े ओहदे पर फाइज हो गए हैं। हम क्या हम इसी तरह दुनिया के मुल्कों में इसी तरह हम डिस्कस होंगे? आज ये न्यूज़ में तो डेफिनेटली देखा होगा किस तरीके से इंडियन हाई कमीशन के सामने खालिस्तानी एक बड़े नंबर पे आकर शोर कर रहे थे। और आप ये भी कह सकते हो कि इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सारे पाकिस्तानी नहीं थे। हालांकि पाकिस्तानियों का इसमें बहुत बैक सपोर्ट रहता है, पाकिस्तानी भी होते हैं इसमें। बट उसके बाद क्या हुआ देख सकते हो आप, एक बहुत बड़ा झंडा लगा दिया गया। और पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद में मैं बताता हूँ ये प्रॉब्लम क्या है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो व्हाइट हाउस के सामने और यहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, वो यहाँ पे उनके जो वर्कर्स हैं, लोग हैं, आम पब्लिक है, वो इकट्ठी हुई है। और कोई मेरा ख़्याल है 200-300 के करीब लोग होंगे। पहली बात तो यह है कि मुझे शर्म इस चीज़ की आ रही है कि पाकिस्तान के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए 75 साल हो गए हैं, मैंने ये नहीं देखा कि भारत की जो अदारे हैं उनके लिए भारत के जो लोग हैं वो सड़कों पे इस तरह आएँ, भारत के अदारों को गालियां दें। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सड़कों पे आके अपने अदारों को गालियां देते हैं, जिसकी मुझे तकलीफ़ हो रही है एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है, हर एक को प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर हमें किसी की वो बात अच्छी नहीं लगती अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन रियासत के अदारों को गंदा करना, रियासती अदारों को गालियां देना, आपको रियासती अदारों से 50,000 मसले हो सकते हैं। आप पाकिस्तान में पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर बात करना और चीज़ होती है, लेकिन बैरून मुल्क में आके बैरूनी सल्त जो है वो मुल्क में बैठ के, क्योंकि एक पार्टी आपको लीडर कह रही है कि जाओ पूरी दुनिया में तुम जाके आवाज़ बुलंद करो, और भी सियासी जमातों के कारकुन हैं उनको भी हक पहुंचता है, वो मर्ज़ी जो मर्ज़ी करें, लेकिन क्या हमारे लोग ही इसी तरह अपने मुल्क को बदनाम करते रहेंगे? यही सियासी जमात जो है ये फ़ौज की मदद से पावर में आई, आप देख लें इनका सारे का सारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, वो ये है कि ये फ़ौज की मदद से पावर में आए हैं। आप इनकी जो पार्टी की सारी जो मैनिफेस्टेशन देखें, इमरान खान साहब मिलिट्री जनरल्स और ISI को इस्तेमाल करके और मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके पावर में आए, लेकिन जब पावर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकाले गए, कोई जुडिशरी ने नहीं निकाला, किसी मिलिट्री कू के ज़रिए नहीं निकले, तो उन्होंने कहा मुझे अमेरिका ने और फ़ौज ने निकाल दिया है और मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई और साइफर आया और फलान हुआ ढमकान हुआ। दुख मुझे इस चीज़ का हो रहा है एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न कि सारी दुनिया तरक्की कर रही है, कारोबार कर रही है, मेहनत कर रही है, हम आज भी इसी तरह ही सड़कों पे लड़ रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो तकसीम है, लोग डिवाइडेड हैं, कोई एक सियासी जमात के पीछे खड़ा होकर दूसरी को गालियां दे रहा है, कोई फ़ौज को गालियां दे रहा है, कोई अदारों को गालियां दे रहा है। इमरान खान की जब बात नहीं सुनी जाती तो वो फ़ौज को गालियां देते हैं, उनकी जब बात नहीं सुनी जाती तो वो जुडिशरी को गालियां देते हैं, वो जजेस को बुरा भला कहते हैं। इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब और उनकी पार्टी और पीपल्स पार्टी और उनकी पार्टी जो है, जब उनको इंसाफ नहीं मिलता तो वो जुडिशरी और फौज को गालियां देते हैं। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन रवि चौधरी US एयरफोर्स में असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात हुए हैं, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, क्या उन्हें आप कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे? जी जरूर करूंगा, क्यों नहीं करनी चाहिए, किसी भी सक्सेस पे बंदे को खुश होना चाहिए, तो मैं भी उनकी खुशी में पूरा शामिल हूँ इस बात पे।
क्या वजह है कि मतलब इंडियंस नहीं, इंडियन ओरिजिन नहीं, पूरी दुनिया को क्यों हाईजैक किया हुआ है? हर जगह हमें इंडियंस का ही गलबा क्यों नज़र आ रहा है? मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब जितनी बड़ी कंपनीज हैं उन तमाम के सीईओज इंडियन हैं, यहाँ तक कि हमें कुछ कंट्रीज़ के पीएम की रेस में भी इंडियन ओरिजिन नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी जो जितनी भी यूथ पॉपुलेशन है ना, तो वो फोकस बढ़ी है। हमारा जिस अदारे ने जो काम करना होता है वो हम वो करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसके सिवाय बाकी वो सारे काम करते हैं जो हमारे करने वाले नहीं होते, अपने स्कोप से निकल के हम सारे काम करते हैं। ऐसा ही सिनेरियो हमारे, आप जिस तरह हमारी आर्मी के बेस पे अगर दोनों के अगर आप कंपैरिजन करें तो हमारे आर्मी के वो रोल हैं जो किसी और आर्मी के रोल नहीं है। तो उसके बेस पे ये है कि किसी भी आपने किसी आर्मी के नहीं देखा कि उनकी अस्करी सिमट है, उनकी फौजी फाउंडेशन है, उनके प्लॉटिंग का सारा स्कीम्स हैं और बाकी जितने भी इदारे हैं सियासत के अंदर बेजा मुदाखलत है, बाकी सारी चीज़ें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके सिस्टम को वीक करती हैं। जब भी आपका सिस्टम एक वीक पोजीशन के अंदर आता है तो फिर आपकी जो मैन पावर होती है उसको सिस्टम के अंदर बिलीव नहीं रहता, तो वो लोग बेहतर यही प्रेफर यही करते हैं कि वो स्विच कर जाएं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव ऑन हो जाएं और अपने जो आपके जो जो कैलिबर वाले लोग होते हैं जिनके पास स्किल्स होते हैं वो लोग बेहतर कोशिश यही करते हैं कि यहाँ से चले जाएँ बाहर कहीं जिधर की इकोनॉमी अच्छी हो और जहाँ के लोग अच्छे हों, स्टेबल वेज रेट अच्छी हो और पॉलिसीज़ अच्छी हों और जहाँ पर उनका कम्फर्ट जोन हो। पाकिस्तान की कंडीशन तो ऐसी है कि यहाँ के अंदर काम करने के लिए कोई भी बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। अभी रिसेंटली आपने फैक्ट्स देखे होंगे, मेरे ख्याल से 10 लाख के करीब तीन लोग जो हैं मैन पावर हमारी, उन्होंने स्विच किया यहाँ से फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर किया। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे उनके कैलिबर के या उनके जितने हमारे पास जितना एफर्ट्स हैं उसके इन रिटर्न जो आपको बेनिफिट्स हैं वो इतने पूरे नहीं होते, तो उस वजह से हमारे इदारे और हमारी जो कंपनीज़ और हमारी जो पोजिशन है वो वीक से वीक तर होती जा रही है और लोग हमारे जो अच्छे माइंडसेट वाले लोग होते हैं उन्हें उठा जाते हैं और उनकी अपनी इकोनॉमी के अंदर उनको यूज़ करते हैं और बेहतर बेनिफिट्स उठाते हैं। अगर अब हम बात करें इंडियन ओरिजिन की, जब तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से खालिस्तानी सपोर्टर्स ने स्पेशली कैनेडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा में तो ये लोग बहुत इंडियंस को अटैक करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पढ़ाई करने के लिए जाते हैं पंजाब से और वहाँ पे जाकर इतना ब्रेन वॉश्ड होता है कि हद से ज़्यादा ये लोग मतलब इंडियंस को अटैक करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे लोग करते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये है कि लेकिन करते हैं। अब होता क्या है कि पगड़ी वाले देखे तो फिर एक पगड़ी वाले के चक्कर में सारा पगड़ी वाले बाहर जो उन पर शक होगा। आप देखें इंडिया का मैच होता है ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, बहुत सारे पगड़ी वाले आएंगे तो डेफिनेटली जब वो इंडिया की ड्रेस पहन के पगड़ी में आएंगे तो वहाँ पे जाके वो इतने तो दोगले होंगे नहीं कि खालिस्तानी भी बन जाएंगे। ऐसे सारे लोग नहीं होते, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बट होता क्या है कि जो कुछ लोग होते हैं उनकी वजह से सारे लोग बदनाम होते हैं। अब यार खालिस्तान अभी हाल फिलहाल देखें आप तो सिद्धू मूसेवाला को आप देखेंगे, सिद्धू मूसेवाला ने इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक दिया और धीरे से खालिस्तान के सपोर्टर भी थे, वो थे सपोर्टर, ये सच्चाई है। बट अगर आप उनकी फैन फॉलोइंग देखें तो पंजाब की कितनी आबादी होगी यार, उनकी पंजाब से ज़्यादा फैन फॉलोइंग शायद यूपी में हो, उनकी फैन फॉलोइंग पूरे इंडिया में मतलब अभी हाल फिलहाल में 20-30 साल में अगर पंजाबी लैंग्वेज का इतना बड़ा सिंगर कोई आया तो सिद्धू मूसेवाला है। लेकिन उनकी एक नेगेटिव इमेज भी है और फिर वो गैंग वॉर में भी शामिल थे उन्होंने, जो आपको सब पता होगा, तो गैंग वॉर में भी शामिल थे वो, खुद दूसरों के जो दूसरी गैंग के लोगों का मर्डर वडर, हालांकि वो टॉपिक मैं कवर करने वाला नहीं हूँ, मैं बस उनका ये कहना चाहता हूँ कि उनके सॉन्ग्स में खालिस्तान का कहीं ना कहीं वो सपोर्टर थे, ये बात एक सच्चाई है। तो यार खालिस्तान ये मतलब हमें समझ में नहीं आता यार, ये भारत देश में इतने अच्छे से सिख कम्युनिटी रहती है, ऐसा नहीं है कि पंजाब बस में रहती है यार, वो हर जगह रहती है और बहुत ही एक हाई स्टेटस के साथ रहती है, उनको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है हमेशा से, सिख कम्युनिटी को हमेशा से एक रिस्पेक्ट की नज़र से, एक ब्रेव, हमेशा उनको बहुत ही रिस्पेक्ट से देखा जाता है। लेकिन इंडिया के बाहर अगर ऑस्ट्रेलिया में देखा, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पे हमला करते हैं सिख कुछ पूरे नहीं, तो उसकी वजह से होता क्या, पूरों को फिर इंडिया में भी एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। जैसे आपको पता होगा ऐसा तो है नहीं कि सारे मुसलमान ही ओसामा बिन लादेन होते हैं, बट होता क्या, एक ओसामा बिन लादेन की वजह से सारी दुनिया में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है यार। इवन अब ओसामा नाम का अगर इंडिया में बंदा होगा तो उसके नाम को ही अजीब तरीके से देखा जाएगा, ये भी एक सच्चाई है। तो वही है, वही सीन हो रहा है।
अब क्या कहूँ इस टॉपिक के बारे में, आप प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें, और इंडियन गवर्नमेंट को भी, आप बाहर जो सिख हैं जो अगर इंडिया से उनके कनेक्शन इंडिया में, उनके वीज़े बैन करनी चाहिए अगर इस तरीके की हरकत में इन्वॉल्व रहते हैं। आज के टाइम पे हम ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।